Hello students, welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in the last video we have seen the important points on chapter 7. Okay, so in this video we are going to see the solution of the question bank, and ye question bank aapko already diya hua tha last video ke description mein, and aap ye video ke description se bhi download kar sakte ho. So starting with the first question, the ancient event of Olympic competition used to be held at Olympia in. आपको ये बोल के रखा हुआ है जो ओलंपिक होता था पहले, सो वो कौन से कंट्री में होता था, बिकॉज आपको यहाँ पे कंट्रीज दिए हुए ऑप्शन में, सो ब्राज़ील, फ्रांस, ग्रीस एंड इंग्लैंड. सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ था लास्ट वीडियो में तो आपने देखा रहेगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीस. ओके, सो हाईलाइट किया हुआ है. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लो, जो लास्ट वीडियो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आप वो एक बार चेक कर लोगे ना तो आपको फिर ये इजीली आपको आ जाएगा. ओके, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हो. देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर. सो स्पोर्ट्स के कितने टाइप होते हैं आपको वो पूछ के रखा हुआ है. सो वी नो दो टाइप होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर वाले गेम्स. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, पर्टिकुलरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो जो ये गेम है ये कौन सा गेम है, इंडोर गेम आउटडोर गेम आपको ये पूछ के रखा हुआ है. सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क था ये इंडोर गेम है. ओके, देन स्पोर्ट्स डैट कम्बाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबेटिक्स आर ऑल इंक्लूडेड इन. सो फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबेटिक्स ये किस में होते हैं, ये तो आउटडोर गेम्स में होते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5, विच मेडल वॉज वॉन बाई इंडियन हॉकी टीम इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर द कैप्टनसी ऑफ मेजर ध्यानचंद. तो इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था आपको याद रहेगा, इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था. ओके, so for question number 5th option C is the correct. okay, the birth date of Dhyan Chand is celebrated as the national sports day in India on. so unka jo birth date hai aapko matlab wo yaad rakhna hai kabhi unka birth date rehta hai. okay, so aapko ye yaad rehna chahiye unka jo birth date wo 29th of August ko rehta hai, and wahi din India mein national sports day celebrate karte hai. moving on to question number 7, the means and equipment for the entertainment and education of children आर कॉल्ड एज. सो मीन्स एंड इक्विपमेंट आपको याद रखना है, मीन्स एंड इक्विपमेंट अगर दिया रहेगा तो ये टॉय के लिए बोल के रखा हुआ है, सो टॉयज बोलते हैं उसको. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, मेजर ध्यानचंद इज नोन एज. ऑप्शन गिवन आर विजार्ड ऑफ हॉकी, गोल्डन मैन ऑफ हॉकी, मैजिशियन ऑफ स्पोर्ट्स, नन ऑफ द अबव. सो इसमें जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, बिकॉज उनको हॉकी का जादूगर मतलब विजार्ड ऑफ हॉकी बोलते थे. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, अ संस्कृत प्ले बाय शुद्रका इज नेम्ड एज मृच्छकटिका, इट मीन्स. सो उसका मीनिंग क्या होता है आपको याद रखना है. सो उसका मीनिंग होता है क्ले आर्ट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड ये वाला पॉइंट भी मार्क था. सो इसमें से 99% क्वेश्चन आपको मार्क मिलेंगे. ओके, एंड एक दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं अलग से, बट आप अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट वीडियो उन्होंने अपलोड किया अगर आप वो देख लोगे ना तो आपको एक आप खुद का एक अलग से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आप बहुत ही ईजिली रिविजन कर सकते हो. ओके, बिकॉज एग्जाम के पहले तो आप पूरा टेक्स्ट बुक फिर से पढ़ने जाओगे नहीं, तो इसके लिए वो वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके चेक कर लेना. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र वेयर नोन एज. सो आपको ये भी नेम याद रहना चाहिए, ये भी मार्क था, सो इसको बोलते हैं धक्की. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 11, एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वॉज फाउंड इन. सो ये कहाँ पे मिला था, सो आपको वो कंट्री का नेम याद रखना है, वो इटली में मिला था. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन 21st सेंचुरी वॉज नेचुरली इन्फ्लुएंस बाय द प्रोसेस ऑफ. सो आपको ये पता रहेगा ये ग्लोबलाइजेशन से इन्फ्लुएंस है. ओके, सो फॉर दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देन 13th, द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इज. सो ये तो सबको ही पता रहेगा, मेरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट एंड विन ब्रॉन्ज मेडल. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, बालजे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर. अब ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है तो किसका पायनियरिंग करेंगे, सो ये क्रिकेट की कॉमेंट्री. सो फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्रिकेट कॉमेंट्री के सबसे पहले मतलब ये कॉमेंटेटर है क्रिकेट के. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 15, बालम भट्ट देवधर डिवाइज्ड वेरियस टैक्टिक्स ऑफ. सो ये गेम का नेम दे के रखा हुआ है आपको, इसमें से बहुत सारे तो इंडोर गेम्स दे के रखे हुए हैं,
सो ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको बॉटम ऑफ द पेज पे ही देखे रखा हुआ था। होप सो कि ये फर्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है बॉटम ऑफ द पेज पे लेफ्ट कॉर्नर में। ओके सो ये आपको नेम याद रखना है। इन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स डिवाइस करे थे, लेकिन ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वाले गेम में नहीं, ऑप्शन ए दैट इज़ मल्लाखम्ब में किया था। ओके सो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। इस आपको इंडोर गेम्स दे के रखे हुए हैं। ओके सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दीज ऑल वेयर द करेक्ट आंसर्स जो भी हाईलाइटेड है येलो कलर से। होप तो कि आपको सारे आंसर्स करेक्ट आए रहेंगे। ओके सो आपको करना क्या है, अभी जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली, आप वो देख के एंड क्वेश्चन बैंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप उसको अगर डाउनलोड करके सॉल्व करोगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाने वाला है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सो ऐसे हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।